Assalamualaikum मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खिलाड़ियों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि स्टोरी नाज़रीन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गई है, जैसे कि माहिर का निकाह हो गया है साथ के साथ, जबकि माहिर मोहब्बत करती थी अरीब से और अरीब ने उसको बीच रास्ते में धोखा दे दिया है, क्योंकि अरीब के पेरेंट्स जो है वो एग्री नहीं हो रहे थे बारात के लिए। इसलिए माहिर की बारात नहीं ना आने पे माहिर का निकाह साथ से हो गया है, जिसके बाद साथ भी जानता है कि माहिर अरीब से मोहब्बत करती है, जिसके बाद साथ का निकाह हो जाने के बाद साथ माहिर से यही बात कहता है कि यह तरफा मोहब्बत इस तरह से है कि जैसे एक बंद गली जिसमें कोई मंजिल का नामो निशान नहीं होता। अरीब का अपने हाथ पे नाम लिखा हुआ देख देख के माहिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसकी मोहब्बत का जनाजा हो गया है। माहिर की दोस्त उसको समझाती है और यही कहती है कि तुम ऐसे शख्स के लिए रो रही हो, यानी अरीब के लिए तुम रो रहे हो अपनी मोहब्बत के लिए, जिसकी तुम्हें परवाह ही नहीं थी, यानी वो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता था, उसको तुम्हारी फिक्र भी नहीं, जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया है, बारात लेके नहीं आया, इतनी बड़ी बदनामी हो गई इसकी वजह से। जिसके बाद माहिर बहुत परेशान होती है, रोती है और यही कहती है अपनी दोस्त से कि यही मोहब्बत का जनाजा हुआ है, अब जनाजे पे कुछ तो रोना होता है अपनी मोहब्बत के जनाजे पे। यानी माहिर अरीब को भूल ही नहीं पा रही, उसकी यादों में खोई हुई है और बेचारा साथ जो है वो सफ़र कर रहा है इस सारे सिचुएशन में। जिसके बाद साथ यही कहता है कि मैं किस तरह से माहिर को वापस लूँ, क्योंकि माहिर तो अरीब से मोहब्बत करती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ड्रामे देखेंगे नाज़रीन आप कि माहिर जो है वो अरीब से मोहब्बत करने के बाद उसकी मोहब्बत को भुलाने की भरपूर कोशिश करेगी और साथ इतनी तवज्जो इतनी अट्रैक्शन उसको देगा, जिसके बाद माहिर जो है वो साथ से मोहब्बत करने ही लग जाएगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे कि अरीब जो है वो माहिर और साथ के निकाह हो जाने के बाद आता है और जब सब कुछ सारी सिचुएशन देखता है एकदम हैरान और परेशान सा हो जाता है, क्योंकि अरीब तो अब भी मोहब्बत करता है माहिर से, लेकिन घर वाले उसके पेरेंट्स ना नहीं एग्री हो रहे थे ना मानने के बाद उसको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। जिसके बाद अरीब यही कहेगा कि मैं अपनी अमानत माहिर को यहाँ से लेके ही जाऊँगा, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। लेकिन माहिर का तो निकाह साथ से हो चुका है, जिसके बाद माहिर और साथ के जो पेरेंट्स हैं यानी उनके वालिद हैं उनको धक्के मार के अरीब को घर से बाहर निकाल देंगे। यानी ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर हो गई हैं। आपको ये ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कैसा लग रहा है, आपने अपनी किन तरह का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पर तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खिलाड़ियों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि स्टोरी नाज़रीन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गई है, जैसे कि माहिर का निकाह हो गया है साथ के साथ, जबकि माहिर मोहब्बत करती थी अरीब से और अरीब ने उसको बीच रास्ते में धोखा दे दिया है, क्योंकि अरीब के पेरेंट्स जो है वो एग्री नहीं हो रहे थे बारात के लिए। इसलिए माहिर की बारात नहीं ना आने पे माहिर का निकाह साथ से हो गया है, जिसके बाद साथ भी जानता है कि माहिर अरीब से मोहब्बत करती है, जिसके बाद साथ का निकाह हो जाने के बाद साथ माहिर से यही बात कहता है कि यह तरफा मोहब्बत इस तरह से है कि जैसे एक बंद गली जिसमें कोई मंजिल का नामो निशान नहीं होता। अरीब का अपने हाथ पे नाम लिखा हुआ देख देख के माहिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसकी मोहब्बत का जनाजा हो गया है। माहिर की दोस्त उसको समझाती है और यही कहती है कि तुम ऐसे शख्स के लिए रो रही हो, यानी अरीब के लिए तुम रो रहे हो अपनी मोहब्बत के लिए, जिसकी तुम्हें परवाह ही नहीं थी, यानी वो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता था, उसको तुम्हारी फिक्र भी नहीं, जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया है बारात लेके नहीं आया, इतनी बड़ी बदनामी हो गई इसकी वजह से। जिसके बाद माहिर बहुत परेशान होती है, रोती है और यही कहती है अपनी दोस्त से कि यही मोहब्बत का जनाजा हुआ है, अब जनाजे पे कुछ तो रोना होता है अपनी मोहब्बत के जनाजे पे। यानी माहिर अरीब को भूल ही नहीं पा रही, उसकी यादों में खोई हुई है और बेचारा साथ जो है वो सफ़र कर रहा है इस सारे सिचुएशन में। जिसके बाद साथ यही कहता है कि मैं किस तरह से माहिर को वापस लूँ, क्योंकि माहिर तो अरीब से मोहब्बत करती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता
ड्रामे देखेंगे नाज़रीन आप कि माहिर जो है वो अरीब से मोहब्बत करने माहिर जो है वो अरीब से मोहब्बत करने के बाद उसकी मोहब्बत को भुलाने की भरपूर कोशिश करेगी और साथ इतनी तवज्जो की अट्रैक्शन उसको देगा जिसके बाद माहिर जो है वो साथ से मोहब्बत करने ही लग जाएगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे कि अरीब जो है वो माहिर और साथ के निकाह हो जाने के बाद आता है और जब सब कुछ सारी सिचुएशन देखता है एकदम हैरान और परेशान सा हो जाता है क्योंकि अरीब तो अब भी मोहब्बत करता है माहिर से लेकिन घर वाले उसके पेरेंट्स ना नहीं एग्री हो रहे थे ना मानने के बाद उसको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है जिसके बाद अरीब यही कहेगा कि मैं अपनी अमानत माहिर को यहाँ से लेके ही जाऊँगा, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। लेकिन माहिर का तो निकाह साथ से हो चुका है जिसके बाद माहिर और साथ के जो पेरेंट्स हैं यानी उनके वालिद हैं उनको धक्के मार के अरीब को घर से बाहर निकाल देंगे। यानी ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर हो गई हैं। आपको ये ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कैसा लग रहा है आपने अपनी किन तरह का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पर तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की खिलाड़ियों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज के मैं आपको ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि स्टोरी नाज़रीन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गई है, जैसे कि माहिर का निकाह हो गया है साथ के साथ, जबकि माहिर मोहब्बत करती थी अरीब से और अरीब ने उसको बीच रास्ते में धोखा दे दिया है ये, क्योंकि अरीब के पेरेंट्स जो है वो एग्री नहीं हो रहे थे बारात के लिए, इसलिए माहिर की बारात नहीं ना आने पे माहिर का निकाह साथ से हो गया है, जिसके बाद साथ भी जानता है कि माहिर अरीब से मोहब्बत करती है, जिसके बाद साथ का निकाह हो जाने के बाद साथ माहिर से यही बात कहता है कि यह तरफा मोहब्बत इस तरह से है कि जैसे एक बंद गली जिसमें कोई मंजिल का नाम और निशान नहीं होता। अरीब का अपने हाथ पे नाम लिखा हुआ देख देख के माहिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसकी मोहब्बत का जनाजा हो गया है। माहिर की दोस्त उसको समझाती और यही कहती है कि तुम ऐसे शख्स के लिए रो रही हो, यानी अरीब के लिए तुम रो रहे हो अपनी मोहब्बत के लिए जिसके लिए तुम्हें परवाह ही नहीं थी, यानी वो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता था, उसको तुम्हारी फिक्र भी नहीं, जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया है बारात लेके नहीं आया, इतनी बड़ी बदनामी हो गई इसकी वजह से। जिसके बाद माहिर बहुत परेशान होती है, रोती है और यही कहती है अपनी दोस्त से कि यही मोहब्बत का जनाजा हुआ है, अब जनाजे पे कुछ तो रोना होता है अपनी मोहब्बत के जनाजे पे। यानी माहिर अरीब को भूल ही नहीं पा रही, उसकी यादों में खोई हुई है और बेचारा साथ जो है वो सफ़र कर रहा है इस सारे सिचुएशन में। जिसके बाद साथ यही कहता है कि मैं किस तरह से माहिर को वापस लूँ क्योंकि माहिर तो अरीब से मोहब्बत करती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ड्रामे देखेंगे नाज़रीन आप कि माहिर जो है वो अरीब से मोहब्बत करने माहिर जो है वो अरीब से मोहब्बत करने के बाद उसकी मोहब्बत को भुलाने की भरपूर कोशिश करेगी और साथ इतनी तवज्जो की अट्रैक्शन उसको देगा जिसके बाद माहिर जो है वो साथ से मोहब्बत करने ही लग जाएगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे कि अरीब जो है वो माहिर और साथ के निकाह हो जाने के बाद आता है और जब सब कुछ सारी सिचुएशन देखता है एकदम हैरान और परेशान सा हो जाता है क्योंकि अरीब तो अब भी मोहब्बत करता है माहिर से लेकिन घर वाले उसके पेरेंट्स ना नहीं एग्री हो रहे थे ना मानने के बाद उसको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। जिसके बाद अरीब यही कहेगा कि मैं अपनी अमानत माहिर को यहाँ से लेके ही जाऊँगा, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। लेकिन माहिर का तो निकाह साथ से हो चुका है, जिसके बाद माहिर और साथ के जो पेरेंट्स हैं यानी उनके वालिद हैं उनको धक्के मार के अरीब को घर से बाहर निकाल देंगे। यानी ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर हो गई हैं। आपको ये ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कैसा लग रहा है आपने अपनी किन तरह का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पर तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की खिलाड़ियों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज के मैं आपको ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ।
तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि स्टोरी नासिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गई है, जैसे कि माहिर का निकाह हो गया है साथ के साथ, जबकि माहिर मोहब्बत करती थी अरीब से और अरीब ने उसको बीच रस्ते में धोखा दे दिया है, ये क्योंकि अरीब के पेरेंट्स जो है वो एग्री नहीं हो रहे थे बारात के लिए, इसलिए माहिर की बारात नहीं ना आने पे माहिर का निकाह साथ से हो गया है, जिसके बाद साथ भी जानता है कि माहिर अरीब से मोहब्बत करती है, जिसके बाद साथ का निकाह हो जाने के बाद साथ माहिर से यही बात कहता है कि यह तरफा मोहब्बत इस तरह से है कि जैसे एक बंद गली जिसमें कोई मंजिल का नामो निशान नहीं होता। अरीब का अपने हाथ पे नाम लिखा हुआ देख देख के माहिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसकी मोहब्बत का जनाजा हो गया है। माहिर की दोस्त उसको समझाती और यही कहती है कि तुम ऐसे शख्स के लिए रो रही हो, यानी अरीब के लिए तुम रो रहे हो अपनी मोहब्बत के लिए, जिसकी तुम्हें परवाह ही नहीं थी, यानी वो तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता था, उसको तुम्हारी फिक्र भी नहीं, जो तुम्हें बीच रस्ते में छोड़ के चला गया है, बारात लेके नहीं आया, इतनी बड़ी बदनामी हो गई इसकी वजह से। जिसके बाद माहिर बहुत परेशान होती है, रोती है और यही कहती है अपनी दोस्त से कि यही मोहब्बत का जनाजा हुआ है, अब जनाजे पे कुछ तो रोना होता है अपनी मोहब्बत के जनाजे पे। यानी माहिर अरीब को भूल ही नहीं पा रही, उसकी यादों में खोई हुई है और बेचारा साथ जो है वो सफ़र कर रहा है इस सारे सिचुएशन में। जिसके बाद साथ यही कहता है कि मैं किस तरह से माहिर को वापस लूँ, क्योंकि माहिर तो अरीब से मोहब्बत करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ड्रामे देखेंगे नाज़रीन आप कि माहिर जो है वो अरीब से मोहब्बत करने माहिर जो है वो अरीब से मोहब्बत करने के बाद उसकी मोहब्बत को भुलाने की भरपूर कोशिश करेगी और साथ इतनी तवज्जो इतनी अट्रैक्शन उसको देगा, जिसके बाद माहिर जो है वो साथ से मोहब्बत करने ही लग जाएगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे कि अरीब जो है वो माहिर और साथ के निकाह हो जाने के बाद आता है और जब सब कुछ सारी सिचुएशन देखता है एकदम हैरान और परेशान सा हो जाता है, क्योंकि अरीब तो अब भी मोहब्बत करता है माहिर से, लेकिन घर वाले उसके पेरेंट्स ना नहीं एग्री हो रहे थे ना मानने के बाद उसको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। जिसके बाद अरीब यही कहेगा कि मैं अपनी अमानत माहिर को यहाँ से लेके ही जाऊँगा, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, लेकिन माहिर का तो निकाह साथ से हो चुका है। जिसके बाद माहिर और साथ के जो पेरेंट्स हैं यानी उनके वालिद हैं उनको धक्के मार के अरीब को घर से बाहर निकाल देंगे। यानी ड्रामा से मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर हो गई हैं। आपको ये ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कैसा लग रहा है, आपने अपनी किन तरह का सार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पर तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।